नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय आखिरकार लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए इस समय करिश्मा बहुत तगड़ा प्लान रचती है। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही बोला गया है, इस बार ऋषि ने अपनी मॉम से बोल दिया है कि मॉम तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन लक्ष्मी ना मेरे कभी दिल से निकली थी और ना कभी लक्ष्मी मेरे दिल से निकलेगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और उसी से ही करूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं मलिष्का को चाह कर भी अब अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाऊँगा। और वाकई में दोस्तों ये एक रियलिटी ही है, क्योंकि आज भी ऋषि जो दावा करता है वो लक्ष्मी के साथ ही दावा करता है अपनी मोहब्बत का। जी हाँ, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है ऋषि ने कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं लक्ष्मी से दूर रहूं, तो चलो मैं तुम्हारे कहने से दूर जरूर रह सकता हूं, लेकिन जो कि प्यार कभी नहीं कर पाऊंगा मैं मलिष्का के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात की जाए तो अब मलिष्का चलेगी एक और पाखंड षड्यंत्र। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मलिष्का ना कभी हार मानी थी और अभी तक हार नहीं मानी भी है उसने। हाँ, वो कहेगी कि ऋषि तुम्हारे सामने मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ, या तो अपनी फैमिली और मैंने को सेलेक्ट कर लो, या फिर लक्ष्मी को सेलेक्ट करो, चाहो तो तुम इस घर को भी छोड़ सकते हो। जिसमें वो बाद में ऋषि बोलता हूँ नजर आएगा कि पहली बात तो ये घर मेरा और फैमिली मेरी है, तुम कौन हो तुम्हें डिसाइड करने वाली कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय ऋषि बहुत ज़्यादा गंदे भी मिजाज में नज़र आ रहा है। ऋषि ने ये सब कुछ बोल दिया है कि लक्ष्मी मुझे पार्ट पढ़ाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा पार्ट भुइयां के खेत में जाए। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार ऋषि भी उल्टा सीधा खूब बोलता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि ऋषि को पता है कि आखिरकार मलिष्का को कैसे और क्यों और कब कैसे जवाब देना है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीक़ा से हैंडल करना भी आता है। आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से मलिष्का से बोलेगा कि तुम यहाँ खाली एक गेस्ट रहो। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।